हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए हो गया दोपहर का समय। और गाइस इधर देखिए, मैं न्यू बेडशीट निकाली हूँ दूसरा। वो येलो वाला धूल के डाली थी ना, अभी आप देखेंगे कितना ये कल से बेडशीट इस पर नहीं पड़ा है, तो आज मैं न्यू बेडशीट लगा रही हूँ। और ये बेडशीट ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा क्या है कि अब सिंगल वाला बेड ये सब तो डबल बेडशीट है। और ये सब तकिया मम्मी हाथ से सिली है। हाँ, हम रेडीमेड तकिया नहीं किए, ये सब तो मैंने हाथ से ही तकिया सारा बनाया। पहले ना जब पापा थे तो गद्दा था, उसी गद्दे का जो रुई निकला था ना, तो उसी का तकिया बना दी। और बहुत पुराना हो गया है, फिर देखूंगी धीरे धीरे इंसान रहेगा, खराब हो जाएगा इसको फेंक के लेंगे। खराब ऐसे है तो नहीं, खराब नहीं है, लेकिन काम चल रहा है ना, जहाँ तक हो सके पैसा बचाना चाहिए, इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये रहा तकिया, हमने जा रही हूँ बेडशीट लगाने, लगा देती हूँ। फिर आरव को हमें घर पड़वा के रख दिया है। चलो आरव, थोड़ा सा हेल्प करो मेरा। क्या लिए? चना बना खा रहे हैं। मैं सोची थी कि थोड़ा सा वो बनाऊँगी, भेल बनाऊँगी, वो हम लोग एकदम बेडशीट अच्छा लग रहा है ना, बदल भी बहुत प्यार लग रहा है। प्रिंटेड वाला उठा के करना पड़ेगा। चलो तब बिछा लो। ऐसे जैसे करो आप, उसको पूरा करने ही कहा, ऐसे ही रहेगा बेड़े पे। हाँ, अब कितना भी लो, बेड़े लो जाए सीधा, आपका तो फुल आ ही जाएगा। अरे पूरा खींच लो, हरिया नहीं रहेगा क्या? तो चलो बिछा लो, फिर मिलते गाइस। हे गाइस, इधर देखिए हमने बेडशीट लगा दिया है। ये वाला बेडशीट ऐसा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ डीमार्ट, डीमार्ट से आती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि कुछ बातें जो हैं कि आपको कुछ शेयर करनी है। तो डीमार्ट में मुझे देखो बच्चों के लिए और कुछ भी रहता है, देखो बाहर जाओगे ज़रूरत है, कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो जो मेरे मन का रहेगा वही लूँगी। चलो, सब लोग बोल रहे हैं कि सेल लगा हुआ है डीमार्ट में, चलो देखती हूँ क्या सेल लगा हुआ है। अच्छा लग रहा है, जी हाँ। आज तो मेरा मैचिंग मशीन लगा है, और गाइस हम लोग निकल गए डीमार्ट के लिए, जा रहे हैं स्टेशन, स्टेशन से फिर चेंज करेंगे तब जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे देखिए फाइनली जो कि डीमार्ट आ गए। चलो पूरा दिख रहा है उसका, देखो ट्रॉली वगैरह लेके तैयार हो गया है। अगली बार आए थे तो हम लोग को बहुत ढूंढना पड़ा था, ऐसा तो है। चलो चलो अंदर, तो फिर कर रहा हूँ ना। चलो लो आरो, सब आरो को पकड़ा के देना, इसको आने का मन कर रहा था। हाँ, एक ये लाल वाला भी पार ले ले। कौन सा? ये सही है, ये पार्ले गोल्ड ले लो, उसे अच्छा लगता है इसका टेस्ट। सब नहीं, सब स्वाद नहीं लेना चाहिए, एक स्वाद, एक बार में एक स्वाद। तो वो वाला रख दो, यही वाला ले लो इससे अच्छा। इतना जल्दी जल्दी कर रहा है जैसे लगा है आरो पैसा पे करती। ये वाला ये ले लो, ये बेहा, ये वाला ये कौन सा? ये जो मौसम है, मौसम मनाती है मेहमान के, इसका सब मालूम। ये वाला तो लेके गई थी अगली बार। गेट बाय वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री, पूछ लो ना इनसे। आरो
देखो ट्रॉली लेके उसका तो अलग ही दिमाग चल रहा है। चक्कर आने चलो मोनेको बिस्किट गाइस जो कि यहाँ पे देखो मम्मी अब अपना कुछ राशन का वगैरह ले रही है चावल वगैरह तो देखो लगता है पूरा राशन यहीं से उठा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो कि इनका शॉपिंग करते करते सर दर्द करने लग गया अब बोलते हो रहा है तुम्हें क्या पता चलो आराम भी नहीं मिल रहा है अब वैसे जाओगी इतना सामान लेके मैं अकेले जाऊँ घर पे गाइस जुड़े रहे यहाँ पे जो कि सारा सामान का बिल निकाल के तब मिलते हैं गाइस देखिए इधर मार्केट से डिमांड से सब्जी भी सोच रही थी ले लूँ लेकिन हमारे पास फ्रीज नहीं है तो मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा सब्जी नहीं लिया है क्योंकि जो भाव मार्केट में वही भाव यहाँ है तो जब भी लेना रहेगा तो इधर से ले लेंगे अच्छा खासा बिल बन गया है डिमांड का और इधर सारा सामान आ गया आर ओपर से फैला रहा है हम कभी बिल से थोड़ा सा मिला लेंगे सामान को। और आप लोग के कमेंट आ रहे थे किप्टो आई आपके घर नहीं आई बहुत ही सेल्फिश है घूमने गई तो इन लोग को लेके जाना चाहिए था। तो गाइस मैं मुंबई में ना आज से नहीं 18 साल मेरी शादी हो गई ना 2006 लास्ट में हुआ था और 2007 में मैं मुंबई आई थी 2008 में मुंबई आई थी फिर उसके बाद क्योंकि लास्ट में शादी हुआ था तो शादी के 1.5 साल बाद में मुंबई आई थी तो हमारे पति मतलब आर्यन के पापा हमको पूरी मुंबई घुमाए हैं पूरी मुंबई घूमे इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और यहाँ बोईसर से मुंबई दूर पड़ता है और किट्टू पहले मेरे घर क्यों नहीं आई क्योंकि अरे वहाँ जो भी घूमने का प्लेस है सब मुंबई साइड में है तो यहाँ से उनको जाना बहुत ही परेशानी हो जाएगी। और सुबह आप लोग को पता है कि सुबह ट्रेन में कितनी गर्दी रहती है दोपहर के समय ही ट्रेन में थोड़ा सा आपको फुर्सत मिलती है नहीं तो सुबह शाम तो ट्रेन में इतनी गर्दी रहती है कि वो नहीं सफ़र कर पाएंगी। और इतने दूर से हम लोग भी कहीं नहीं जाते हैं कि इतना दूर है मुंबई यहाँ से जाना और परेशानी उठाना बच्चों का पढ़ाई भी है और साथ में कोई रहता है तो चलो घूमने को। तो अगली बार जब किट्टो की शादी के बाद जब आई थी लॉकडाउन में तो किट्टो को मैं ही मुंबई घुमाई थी अकेले ले जाके जब घूमी थी तभी तो उनको घुमाई। तो आने की बात ये आप लोग बोल रहे बहुत सेल्फिश है जहाँ व्यवस्था देखती है वहीं जाती हैं तो व्यवस्था की क्या बात है उनको तो मेरे घर पर अगर ज़मीन पर भी सुलाएँगे ना तो ज़मीन पे भी सो जाएंगे। वैसे भी मैं सामान लेने वाली थी आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि पूनम दीदी आप गांव मत जाइए अपने घर के लिए कुछ सामान ले लीजिए तो हम गांव नहीं गए तो हमारा पैसा गांव जाने में आने जाने में खर्चा होता है कि नहीं होता है तो पैसा सेव बचा उसी पैसे से सामान हम ले लिए। और इतने दिन से इंसान काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट करके ही रखता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने सारा सामान लिए हैं और इधर सामान ले लिए सुविधा है जो हमारे हमारा छोटा सा घर है और आएंगे किट्टो इतना दूर है मतलब वहाँ जब बोरीवली उतरी तो वहीं नज़दीक में गोरेगांव उधर पड़ता है अपने ननद के यहाँ चली गई और वहाँ से सब चीज़ नज़दीक पड़ता है घूमने के लिए इसीलिए वो वहाँ गई। और यहाँ क्यों नहीं आएंगी फ़ोन भी आज की थी कि दीदी हम देखो हो सकेगा तो क्या फ़ोन आया था बात हुआ है देखो कब आती हैं। और इधर देखिए सारा सामान अब मुझे समेटना है सबको रखना है लेकिन मैं पूरी तरह से एकदम थक गई हूँ इतना थक गई हूँ ना कि मैं एकदम डैमेज हो गई तो
ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।